मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? जो रिजिड बॉडी होती है, इसमें जैसे हमने कहा कि भाई एक बॉडी मूव कर रही है, तो एक बॉडी मूव करती रहती है, वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए रोकने के लिए। एक बॉडी जो है वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए इसको चलाने के लिए। इसी तरीके से जब हम सर्कुलर की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो इसी चीज को हम जब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इनर्जी, इनर्शिया की बात करेंगे एक रिजिड बॉडी पे, तो इस रोटेशनल इनर्शिया को, जो कि हमारा इनर्शिया था प्लैनर में जब स्ट्रेट मोशन हो रहा था, तो जब हम रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI कहते हैं इसको, या हम सिंपली इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी बॉडी का, क्योंकि रोटेशनल मोशन होया इसका मतलब एक एक्सिस भी होगी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे जो सम है, प्रोडक्ट किसका, मास का, और जो उसका स्क्वायर है, मतलब जो अलग अलग मासेस है। एक मान लीजिए इस तरीके से बॉडी है, इसका हमने मतलब ये मास M1 ले लिया, M2 ले लिया, M3 ले लिया, इस तरीके से ये M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया। तो ये M1 और इसका R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर क्या है? इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका, इस M1 का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से दूरी इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस M1 की दूरी, इस M2 की दूरी, तो ये M1 मास ये वाला और इसकी दूरी R1 स्क्वायर। तो इन सबको जब जोड़ देंगे, इसका 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 तीनों का जोड़ देंगे, या N अगर हम नंबर मान ले तो M1 से लेकर MN तक जोड़ दें, तो सिग्मा i=1 to n, क्योंकि 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, MIR2 लिख सकते हैं इसको। तो MI आपका मास है, RI मास है किसका, ith पार्टिकल का, क्योंकि I वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। तो ये संख्या जो होगी I वो इसके बराबर होगी, इसको हम kg मीटर स्क्वायर में गिनते हैं, और जो डायमेंशन होता है उसका वो ML की पावर 2 होता है।